की अजान हो जाए तो वैसे भी उलमा ने लिखा है कि जितनी सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनका मस्जिद में अदा करना अफजल है। जैसे फजर की दो सुन्नतें हैं, जुहर से पहले चार सुन्नतें हैं। 21 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है मेरा भाई। पहले तो तुम दोनों मियां बीवी, आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुके, आप जाके दोनों अपना चेकअप कराएं, ये तहकीक तो करें ना कि नुक्स किस में है भाई, क्या खामद में नुक्स है या बीवी में है। फिर जिसमें नुक्स हो उसका इलाज भी करवाएं। और सूरत यूसुफ पढ़ के जब मौका मिले, जरूरी नहीं कि रोज पढ़ो, जब मौका मिले सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। और कुरान में जो दुआ है हजरत ज़करिया की अलैहिस्सलाम की, रब्बिल आदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, वो हर नमाज के बाद मांगा करो, बाकी अल्लाह के हाथ में है। ऐसे नहीं होता कि भाई बच्चा ना हो, लाजिम कोई नुक्स होगा, या तो औरत के अंदर की नक्श है या फिर खावन के अंदर अल्लाह ने वो जरासीम ही नहीं रखे, या जरासीम है लेकिन कमजोर है मर जाते हैं। अब तो दुनिया तरक्की करके अपनी इलाज भी हो सकते हैं। कहते हैं कि हजूर का साया मुबारक नहीं था, ये भी घड़ी हुई बात। अल्लाह के नबी सैयदुल बशर थे, इमामुल बशर थे, इमामुल अव्वलीन वल आखरीन थे, साया कैसे नहीं था। हिजरत वाले दिन जब हजूर मदीने में पहुंचे हैं तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि लोग मदीने में पहले मुझे मिलते फिर हजूर को। मैंने समझा इन बेचारों को धोखा लग रहा है, ये मखदूम और खादिम के दरमियान फर्क नहीं कर रहे, तो मैं चादर लेके धूप से बचाने के लिए साया करके हजूर पे खड़ा हो गया। अल्लाह के बंदे, वो तो बाद मकाम पे मौजूदात हैं कि हजूर के लिए अल्लाह बादल भेज देते थे, साया हो जाता था। ये तो माना नहीं कि साया ही नहीं था, यानी क्या माना, खुदा थे इसलिए साया नहीं था। ये यही बुनियाद है शिर्क की कि जी साया नहीं था। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के बंदे, हुजूर को साया भी था, हुजूर के दंदान जख्मी हुए, हजूर के पांव जख्मी हुए, हजूर का चेहरा जख्मी हुआ, खून बहता रहा, हजूर को बुखार भी आए, तकलीफें भी हुई, जो इंसानों को होती है हजूर को भी पेश आई। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मुझे पता है कि काबा मुशरफा आसमानों तक ऊंचा है, लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के तसल्ली नहीं हो, ये तो अलामत है क़यामत है, ये तो बनेगी। हजूर पाक ने खुद फरमाया था कि अलामत क़यामत में एक वक्त आएगा कि लोग बिल्डिंगों की बुलंदी में मुकाबले करेंगे और फख्र करेंगे, ये तो होगा। किसी से खिदमत करवाना अगर वो खुद मोहब्बत से करता है तो कोई हाजिर, बगैर खिदमत के तो दुनिया नहीं चल रही ना। अगर कोई तालिबुल इल्म जैसे मुझे बेचारे वुज़ू के लिए ले जाते हैं, साथ जाते हैं, आते हैं, मेहनत करते हैं, अपना वक्त भी देते, ये अल्लाह उनको बदला देगा, क्या हाज। असल में तुम्हारी टांगें कोई नहीं दबाता ना, इसलिए तुम्हें तकलीफ है। एतराज़ हमेशा वही करता है, उसकी टांगें आप दबाना शुरू कर दे मजा ले एतराज़ करें। भाई मैं मरीज हूँ, बीमार हूँ, अगर बेचारे खिदमत करती हैं अल्लाह जाए खैर थे। हमारी एक दोस्त की बीवी को कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए, उसका इलाज दुनिया में तो नहीं है, अल्लाह के यहाँ तो है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि एक आयत है कुरान की, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, हर नमाज के बाद पढ़ के पानी पे दम करें, उसको पिलाएं, दवाओं पे दम करें, और अगर 1000 एक दफ़ा दम करके पानी पे रख दें, वही पानी पिलाते रहें, तो इंशाअल्लाह कैंसर भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने आम मजमे में अपनी बीवी को 3 के ऊपर तलाक दी है, इकरार किया है, बाद में इनकार करता है, वो जाने क़यामत में पकड़ा जाएगा। 3 तलाक के बाद वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो गई, अब अगर उसको रखेगा तो जिना करेगा। और औरत को भी चाहिए उसको करीब ना आने दे, फौरन अपने माँ बाप के घर चली जाए। हम हनफी हैं,
हरमैन में जो जनाजे होते हैं एक सलाम फिर एक भी जायज है, दो भी जायज है, वो एक फिर तुम दो फिर दोनों जायज है। हजरत जावेद गांधी की किताबें लिखी हुई हैं और उलमा ने भी उनके रद्द में किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है दीन के रहजन, वो आप मंगवा लें, उसमें सबका कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। वो तो कहता है कि जनाब दो नमाजें हैं जो कुरान में, बाकी पांच तो मौलवी ने घड़ी हुई है। वो कहते हैं ज़कात जो है ये तो एक टैक्स है। दिल में कीना रखना बहुत मना है, अल्लाह का हुक्म है कि आपस में कीना ना रखो। हजूर ने भी फरमाया है कि ला तहासदु वला तबाग़दु वला तदावरु कूनु इबादल्लाह इख्वाना, भाई बन के रहो। कोई दीनदार लोग भी मुब्तला है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे।